खंडवा बड़ौदा मार्ग पर जिला सहकारी बैंक से लेकर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के सामने सड़कों पर करीब आधे फीट के गहरे गड्ढे हो गए हैं और सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसके कारण आए दिन बाइक सवार गिर रहे हैं। गड्ढे इतने गहरे होने के कारण फोर व्हीलर भी अपना बैलेंस खो देती है। मुख्य मार्ग पर इतने बड़े गड्ढे होने के बाद भी सड़क विभाग और खासकर इस सड़क को मेंटेनेंस करने वाले रूई टोल नाके के ठेकेदार बेखबर है या फिर कोई बड़ी घटना घटने का इंतजार किया जा रहा है। इन गड्ढों से परेशान होकर नगर के नागरिकों ने प्रशासन को जल्दी ही सड़क के बड़े बड़े गड्ढे भरने की मांग की है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये खंडवा रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान में रोड पर गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच सड़क है, ये स्थिति बन गई है। बड़े बड़े कम से कम एक एक मीटर गहरे गड्ढे हो गए, लंबे गड्ढे हो गए। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं, आए दिन दुर्घटनाएं होती है और लोग घायल होते हैं। क्या नाम लिखते हैं? राकेश पटेल। सड़क पर गड्ढों को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? सेगांव में पुराने हॉस्पिटल के सामने बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण दिन प्रतिदिन बड़ी समस्याएं आ रही है और ना जन प्रतिदिन और ना कोई सरकारी कर्मचारी इस पे ध्यान दे रहे हैं। क्या कौन से कहां से कहां पर गड्ढे हुए रोड पे? ये पुराने हॉस्पिटल के सामने लोना रोड के इधर। क्या नाम लिखता? महेंद्र सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।